संस्कृति मॉम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बर्तन में हम थोड़ी सी मैदा डाल देंगे। मैदा को हमने पहले से छान के ले लिया है और थोड़ी सी हम बारीक वाली सूजी डाल देंगे। यदि आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप मिक्सी के जार में थोड़ा सा उसको बारीक कर लें। इन दोनों चीजों को हमने हाथ से अच्छे से मिला लिया है। इसमें हम एक बड़ी चम्मच तेल या घी डाल देंगे और इसको भी हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो। नमक को भी हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है और हमने थोड़ी सी अजवाइन ली है। इस तरीके से हम हाथों से मैश करके अजवाइन को भी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखो हमने मोम इस तरीके से लगाना, जब हाथों से हम इसका पेड़ा बनाएंगे तो आसानी से इसका पेड़ा बन जाए। और हमने थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया है, आपको गुनगुना पानी ही लेना है। गुनगुने पानी में इसका आटा लगाकर हम तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही हमें इसका आटा लगाना है। यदि आप इसमें एकदम से पानी डाल देंगे तो आपका जो आटा है बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा। इसका हमें इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें सूजी डली है, सूजी अभी फूलेगी भी तो थोड़ा हमारा आटा हार्ड हो जाएगा। 10 मिनट के लिए हम सूजी को फूलने के लिए इस तरीके से रख देंगे। देखो हमारी सूजी अच्छे से फूल चुकी है और आटा भी हमारा थोड़ा हार्ड हो चुका है। आपको इसी तरीके से गीला आटा लगाकर रख देना है और हाथों से हम एक बार और अच्छे से मसल लेंगे। इस नाश्ता को हम मैदा और सूजी से बना रहे हैं। यदि आप गेहूं का आटा और सूजी से बनाना चाहते हो तो आप उससे भी बना सकते हो। आटा आप कोई भी ले लें, लेकिन उसमें थोड़ी सी सूजी डाल लें तो ये नाश्ता बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। हमने इसको अच्छे से मसल लिया है। अब हम इसकी लोइयां तोड़ेंगे। देखो हमने इसकी बड़ी बड़ी तीन लोइयां तोड़कर तैयार कर ली हैं। हमने लोइयों को इस तरीके से पेड़ा बनाकर रख लिया है। एक लोई ले ली हमने और इस तरीके से हमने एक झरिया ले ली है, बारीक छेदों वाली। आपको बहुत ज्यादा मोटी छेदों वाली झरिया नहीं लेनी है। और इसके ऊपर नीचे हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। तेल लगाने के बाद इस लोई के ऊपर हम इस तरीके से अच्छे से दबा कर रख देंगे। इस तरीके से हमें तेज दबा देना है और चम्मच की मदद से आपको इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है। इस तरीके से हम डिजाइन वाला नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। देखो हमने इकट्ठा इस तरीके से कर लिया है और इस तरीके से हम उठाकर रखते जाएंगे। देखो हमने नाश्ते को इस तरीके से उठा लिया है और जो हमारा बाकी का आटा बचा है इस तरीके से हम दूसरी लोई में मिक्स करके पेड़ा बना लेंगे। और पेड़ा बनाने के बाद हम इस तरीके से दोबारा से रख कर झरिया को दोबारा से इसके ऊपर इस तरीके से दबाकर दूसरा नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। उसी तरीके से दबा के हमने दूसरे नाश्ता को भी बना लिया है। इसी तरीके से हम इसको भी निकाल लेंगे। देखो एकदम बिल्कुल डिजाइन वाला नाश्ता हमारा बनता जाता है। और हम इस तरीके से झरिया को निकाल के दोबारा से पेड़ा बना के इसी तरीके से हम नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। यदि आप और ज्यादा बड़ा नाश्ता बनाना चाहते हो तो थोड़ी और बड़ी लोई ले लें और इस तरीके से लोई पर झरिया को दबाकर नाश्ता डिजाइन वाला नाश्ता बना सकते हो। उसी तरीके से दबा के हमने दूसरे नाश्ता को भी बना लिया है। इसी तरीके से हम इसको भी निकाल लेंगे। देखो एकदम बिल्कुल डिजाइन वाला नाश्ता हमारा बनता जाता है। और हम इस तरीके से झरिया को निकाल के दोबारा से पेड़ा बना के इसी तरीके से हम नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। यदि आप और ज्यादा बड़ा नाश्ता बनाना चाहते हो तो थोड़ी और बड़ी लोई ले लें और इस तरीके से लोई पर झरिया को दबाकर नाश्ता डिजाइन वाला नाश्ता बना सकते हो। इस तरीके से डिजाइन वाला नाश्ता बना के गरम तेल में सेंक लेंगे। देखो हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, जो हमने नाश्ता बनाया था। इस तरीके से हम धीरे से नाश्ता को खिसकाते जाएंगे। हमें धीरे से ही खिसकाना है जिससे हमारी इस नाश्ता की डिजाइन ना बिगड़ने पाए। यदि आप किसी और डिजाइन का बनाना चाहते हो तो किसी और डिजाइन का भी इसी तरीके का नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हो। मीडियम गैस पर हम इस नाश्ता को अच्छे से पलट पलट के सेंक लेंगे। एक साइड जब हमारा नाश्ता थोड़ा सेक जाए तभी हमें इस नाश्ता को पलटना है, नहीं तो आपका जो नाश्ता है टूट सकता है।
देखो हम इस तरीके से पलट पलट के नाश्ता को अच्छे से सेंक लेंगे। देखो हमने पलट पलट के नाश्ता को अच्छे से सेंक लिया है। आपको इसी तरीके से दोनों साइड नाश्ता को अच्छे से सेंक लेना है। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और जो हमारा बाकी का नाश्ता बचा है उनको भी हम इसी तरीके से पलट पलट के अच्छे से सेंक लेंगे। उसी आटे से हमने कई तरीके से नाश्ता को बनाकर तैयार कर लिया है। यदि आपको इस तरीके से जरिया से नाश्ता ना बने तो आप इस तरीके से भी नाश्ता बना सकते हो। यदि आपको इस तरीके से ना बने तो सीधी आप इस तरीके से पूड़ी की तरह भी बना सकते हो। एकदम बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार होगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखो एकदम बिल्कुल हमारा मुलायम नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इस नाश्ता को हमने टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है। यदि आप चाय के साथ भी खाना चाहते हो तो चाय के साथ भी इस नाश्ता को खा सकते हो। इस नाश्ता को आप एक बार बना ले 15 दिन तक स्टोर करके भी खा सकते हो। टोमेटो केचप के साथ भी खाने में इस तरीके का नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।